एक बार के लिए समझ लीजिए कि आज के दिन आपका बर्थडे है। जी हाँ, और सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको 8 बजे 9 बजे आपको आपकी बैंकर की ओर से, जी हाँ आपकी बैंकर की ओर से आपको कॉल आता है और वो आपको विश करते हैं आपका बर्थडे। तो आपको कितना पसंद आएगा, अच्छा लगेगा ना आपको दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, हम जब कभी भी यू नो हमारे ऑडियंस, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ, उनको हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें हम उसको विश करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वेलकम बैक टू DIGITAL डिजिटल खिचड़ी। आज का जो हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि फेस्टिवल पोस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है तो कितनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि फेस्टिवल पोस्ट क्या होता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में, खास तौर पे भारत में, यू नो त्यौहार जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाए जाते हैं। तकरीबन यू नो हफ्ते में एक आध त्यौहार फेस्टिवल तो हमारे यहाँ पे होता ही है। बट हमारे जो मेन यदि हम फेस्टिवल्स की बात करें तो समझ लीजिए कि न्यू ईयर हो गया, फिर दिवाली हो गया, फिर यू नो होली हो गया, काइट फेस्टिवल का दिन हो गया। तो वैसे जो भी हमारे मेन फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस के मुताबिक हमको फेस्टिवल्स चूज़ करने होते हैं। यानी कि हमारे जो ऑडियंस है वो कौन से फेस्टिवल्स ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, वैसे हमको जो टॉप 10 10 से 15 जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसका लिस्ट आउट रेडी करना है और उसके मुताबिक हमको यहाँ पे फेस्टिवल पोस्ट बनानी होती है। तो हमारा मुद्दा ये था कि फेस्टिवल पोस्ट क्या होता है। तो हमारी ऑडियंस जो भी होती है, ऐसे मेन जो फेस्टिवल के लिस्ट आउट रेडी करके उसके बाद हम एक क्रिएटिव डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे हम हमारे जो ऑडियंस और पेशेंट को एक फेस्टिवल पोस्ट वहाँ पे बना के हम उनको भेजते हैं। तो जो क्रिएटिव होता है उसको हम फेस्टिवल पोस्ट बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे फेस्टिवल पोस्ट तो हमने बना लिया, बट उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं, ऐसा क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। पर फेस्टिवल पोस्ट का इम्पोर्टेंस की बात करूं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया ऐसा कि आपको बर्थडे के दिन जब आपके बैंकर जब आपको विश करता है तो कितना अच्छा लगता है, राइट। वैसा ही हमारे पेशेंट्स को लगता है, वो हमसे हमेशा जुड़ना चाहते हैं। और यदि आप अपने कस्टमर के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने पेशेंट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप फेस्टिवल पोस्ट बनाए। अभी यहाँ पे आपको चीज का ध्यान रखना है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसको लिमिटेड करना है। यानी कि मैंने आपको बताया कि आपको फेस्टिवल पोस्ट का लिस्ट आउट रेडी करना है आपके ऑडियंस के मुताबिक और मेन जो फेस्टिवल है उसको ही आपको कवर करना है। फिर क्या होगा कि हर रोज यदि आप अपने फेस्टिवल्स या कोई भी डेज होता है वो आप हर रोज अपने कस्टमर्स पेशेंट्स को भेजेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, वो लिमिटेड करना है, क्योंकि हम ज्यादा खाएंगे कोई भी चीज तो हमको मजा नहीं आएगा, राइट। किसी भी चीज का यदि हमने अतिरेक कर दिया तो हमको मजा नहीं आएगा। सेम वे में यदि हमको फेस्टिवल पोस्ट का जो लिस्ट आउट रेडी किया है उसके मुताबिक ही हमको उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं कि आपको आपकी इंडस्ट्री के मुताबिक फेस्टिवल पोस्ट को बनाना है। जी हाँ, अभी एक एग्जाम्पल लू कि यदि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो, ठीक है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट में समझ लीजिए कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, राइट। तो वैलेंटाइन डे डर्मेटोलॉजिस्ट है तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप वहां पे ऑफर्स बना सकते हो, ठीक है। फिर दिवाली आ रही है और आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ग्रीटिंग डाल सकते हो, कोई वीडियो के मैसेज थ्रू डाल सकते हो। हाँ, फेस्टिवल पोस्ट में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इमेज ही बनाना है, आप वीडियो फॉर्म में, GIF फॉर्म में वैसा भी कर सकते हो। तो आपको एक शॉर्ट मैसेज आप अपने ऑडियंस को भेज सकते हो, शॉर्ट वीडियो 10 से 15 सेकंड का बना के आप दे सकते हो, या तो एक फेस्टिवल पोस्ट में मेक श्योर कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, उनको आप फेस्टिवल पोस्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करें। जी हाँ, समझ लीजिए कि डर्मेटोलॉजिस्ट है तो आप ऐसा आपके कस्टमर को विश कर सकते हैं कि आप अपने आपका ये जो नया साल है वो दिवाली की तरह ब्राइटन हो, आपकी स्किन की तरह ब्राइटन हो, आपकी स्किन भी ब्राइटन हो, काइंड ऑफ थिंग्स आप कुछ भी कंटेंट वहां पे लिख सकते हो। गायनेकोलॉजिस्ट है तो आप वहां पे बेबी रख सकते हो समथिंग ऑन क्रिएटिव वे। तो मेक श्योर फ्रेंड कि आप वहां पे सोचिए, आपकी एजेंसी को बोलिए, आपके डिजिटल मार्केटर को बोलिए कि भाई साहब मेरी जो फेस्टिवल पोस्ट है वहां पे आप ट्राई कीजिए कि मेरी सर्विस, मेरी प्रोडक्ट
इनडायरेक्ट वे में, क्रिएटिव वे में वहां पे रिप्रेजेंट हो। बाकी दोस्तों आपको मालूम ही, आप गूगल करोगे हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली कुछ भी लिखोगे तो आपको रेडीमेड पोस्ट कितने सारे मिलने वाले हैं। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हमको यहाँ पे क्वालिटी में बिलीव करना है, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हमको यहाँ पे मेंटेन करना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमको हमारे जो टॉप फेस्टिवल्स है वहाँ पे उनके ऊपर ही फोकस करना है, और हमारे ऑडियंस जो है उनके मुताबिक ही हमको फेस्टिवल का कैलेंडर सेट करना है। यदि हमने लिमिटेड ही भेजा और हमारे ऑडियंस को जो पसंद है वही भेजा, क्रिएटिव वे में भेजा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फेस्टिवल पोस्ट है वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं छोटे क्लिनिक जो है, जो छोटे अस्पताल तो नहीं बोल सकता, पर छोटे जो क्लिनिक होते हैं उनके लिए उनका जो मेनली जो बिजनेस आता है तो वो ग्रुप से ज़्यादा आता है, राइट। सो आप वहाँ पे छोटे छोटे फेस्टिवल पोस्ट जो होते हैं वो आपके मुताबिक, आपका जो क्लिनिक है जनरल, तो उनके मुताबिक आप चाहे तो नॉर्मल बना सकते हो, बट हॉस्पिटल के लिए आई एम डैम श्योर कि आपको चाहे मल्टी स्पेशलिटी हो, चाहे कोई भी आपका हॉस्पिटल हो, तो आपको मेक श्योर कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सर्विस को आप कैसे वहाँ पे उसको क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पोस्ट है वो मार्केटिंग के हिसाब से नहीं लगनी चाहिए आपको पेशेंट को, उनको एक्चुअली थोड़ी क्रिएटिव लगनी चाहिए, आपकी सर्विस इनडायरेक्ट वे में वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो से मैसेज यही था कि फेस्टिवल पोस्ट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, बट आपको खास ध्यान रखना है, मैंने बताया इस तरह से, आपको उनकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है, यानी कि सर्विस आपकी जो होती है उसको इनडायरेक्ट वे में रिप्रेजेंट करना है क्रिएटिव वे में, और सेकंड चीज़ आपकी जो उनकी फ्रिक्वेंसी होती है पोस्ट की वो उतनी ज़्यादा नहीं रखनी है, लिमिटेड रखनी है, ताकि आपके ऑडियंस भी उसको एंजॉय कर सके। दोस्तों तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मेरी इस वीडियो की सीरीज में हेल्थ केयर कैटेगरी के जो वीडियो की सीरीज है उसमें अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल डिजिटल खिचड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर दीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर की वीडियोज रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।